मैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा एमएलए नवलगढ़ जो हैं उनकी विधिक पत्नी हूँ। मैं विधिक पे जोर दे रही हूँ, विधिक पत्नी हूँ उनकी। और उन्होंने आज तक जो भी शपथ पत्र जितने भी 3 साल से 3 बार में वो उन्होंने सबमिट किए हैं उनमें सभी गलत हैं शपथ पत्र। गलत तथ्यों के आधार पर उन्होंने आज तक इलेक्शन फाइट किए हैं। ये उनका बेटा है अरुणादित्य शर्मा, जिसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। सभी चीज़ों का मैं विधिक रूप से लड़ भी रही हूँ कोर्ट्स में भी, और कोर्ट में जो पिछली 5 साल से कांग्रेस सरकार है उनको सब केसेस को दबा दिया जाता है, फाइल्स को पेंडेंसी में डाल दिया जाता है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, सीएम से हमें मिलने नहीं दिया जाता है। और डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने हमें घर में कैद कर रखा था, वहाँ से निकल नहीं सकते थे हम। आज 5 साल बाद जब सरकार हटी है तो मैंने हिम्मत जुटाई है, मेरे कुछ पीछे इस तरह वेलविशर लोग हैं जिन्होंने हिम्मत दी और मैं आपके सामने आई हूँ पहली बार। क्योंकि इतना त्रस्त उन्होंने किया है, इतना मुझे टॉर्चर किया है मेंटली, और मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी है। कितने साल से अलग हो? मैं तो पिछले इलेक्शन से अलग हूँ उनसे, 2018 से। 2018 में भी उन्होंने अश्योर किया था कि ये सब जो भी परमराज शर्मा के साथ मेरा है वो मैं ख़त्म करूँगा, उसको नल एंड वॉइड करवाऊँगा, मेरी कोई मैरिज नहीं हुई है, वो मेरे मुझे सब ब्लैकमेल करती हैं, इस तरह की बातें उन्होंने करके गुमराह किया हमेशा। शादी कौन से साल में हुई? मेरी शादी 99 में हुई है, 2008 में डिवोर्स लिया है इन्होंने मुझसे, ये कह के कि मेरे घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर मेरी मैरिज आउट होती है तो मुझे वो सपोर्ट नहीं करेंगे इलेक्शन में, आप सेक्रीफाइस करो मैं दोबारा आपसे मैरिज करूँगा। और इन्होंने की भी मेरे से 2009 में शादी फिर से करी है, जिसके मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो 1999 से पहले अगर इनकी कोई पत्नी है तो मैं चैलेंज करती हूँ, चुनौती देती हूँ, सामने आए वो। 2009 से पहले अगर कोई इनकी मैरिज हुई है तो उसको चैलेंज करती हूँ, सामने आए। अगर कोई इन्होंने फिर भी कोई फ्रॉड कर रखा है तो मैं सपोर्ट करूँगी उस महिला को, लेकिन अगर कोई नहीं है तो इनका जो भी इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, ये मांग करती हूँ मैं चुनाव आयोग से। मिला होगा उनको के खड़ा जी, कलेक्टर साहब से भी मिला होगा? कलेक्टर साहब ने कहा कि हम कोर्ट में भेजेंगे, मैम हम तो ये प्रोसेस करते हैं, आपने ऑब्जेक्शन किया है, हम इसको कोर्ट में भेजेंगे, कोर्ट विल डिसाइड। आप कह रहे हो कि बंधक बना रखा था, कहाँ बंधक बना रखा था, कौन सी बंधक? तरीका ये होता है कि मेरा पूरा फैमिली खत्म हो गया, मेरी मदर हार्ट अटैक से डेथ हुई है इनकी वजह से, मेरे फादर के गैंग्रीन हुआ पैर में, उनकी डेथ हो गई, मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ जो बहुत इज्जतदार लोग होते हैं और अपनी इज्जत के लिए मर जाते हैं। आप मुल्ते रहने वाली कहाँ के हैं? मैं मुल्ते जयपुर की हूँ रहने वाली। 2009 में कौन सी कोर्ट में आपकी शादी हुई? 2009 में आर्य समाज में शादी हुई है मेरी।